कितनी खामियां हैं हमारे, कितने दोष हैं। तो हम इस दिव्य ग्रंथों के ऊपर और दिव्य नाम के ऊपर हम क्या चर्चा करेंगे? हमारे क्या योग्यता है, हमारे हम सामर्थ्य नहीं है, तो ये भी एक अपराध है। सातवां अपराध नाम बलस्य पाप, नाम के बल के ऊपर पाप करना। जरूर है हरि नाम से पाप मिट जाते हैं, लेकिन उस बुद्धि से अगर हम पाप करते रहे और हम अरे हाँ ये तो हमने गुरु जी ने बताया था, वैष्णव ने बताया था कि हरि नाम करने से पाप कट जाएंगे, तो पाप करते रहो और नाम करते रहो, पाप करते जाएंगे, नहीं, ये भी एक अपराध है। नाम अपराध कभी ये स्वीकार नहीं करेगा। अगर इस बुद्धि से जाने अनजाने अनजाने में हो गया है तो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर अगर हम पाप करें और फिर हम कहें कि हरि नाम हमें बचा लेगा, हाँ हरि नाम कौन है, हरि नाम कौन है, जोड़ा ऊंचा बोले स्वयं है, तो भगवान मूर्ख है, सबसे चतुर भगवान है, तो हम भगवान को कैसे मूर्ख बना सकते हैं? अगर हम सोचे कि हम पाप करेंगे और हमें जो है जानबूझ के और हरि नाम करेंगे जो साक्षात भगवान है, तो मूर्ख थोड़े ही है भगवान, सबसे बड़े चतुर वो है, चतुरता में प्रवीण वो है, हम मूर्ख है अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। आठवां अपराध, यद्यपि अगर हम किसी कर्म कांड आदि मंत्रों का उच्चारण करते हैं और हम सोचते हैं कि ये हरे कृष्णा महामंत्र भी उसी की तुलना करें हम, तो ये भी एक अपराध है। और भौतिक लाभ के लिए कर्मकांड के जो मंत्र है हम करते हैं या यज्ञ आदि करते हैं, वो भौतिक लाभ के लिए करते हैं, लेकिन हम अगर सोचें कि हरे कृष्णा महामंत्र भी हम कर्मकांड के स्वरूप में या भौतिक लाभ के लिए हम करें, तो ये भी एक अपराध है। नहीं, कभी भी हरे कृष्णा महामंत्र किसी भी भौतिक चीज के लिए नहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मन में भी ये निकाल दिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान है, साक्षात ये शुद्ध शुद्ध वस्तु, वेद्यम वास्तवम वस्तु, श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोक में, मतलब वैसे क्रम अनुसार दूसरा श्लोक है, पहला श्लोक तो मंगलाचरण है जन्मादिवस्य, लेकिन दूसरा धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्म शरणाम सता वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र उर्मलम। ये भागवत जो असली वस्तु जो कृष्णा है वो दिलाता है, तो ये जो असली वस्तु है उसके लिए हम ये छोटी मोटी चीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करें, तो ये तो एक उसकी तौहीन हुई, ये एक अपराध हो, हमें इसको बिल्कुल ये मन से निकाल देना चाहिए। कोई अगर भौतिक कामना है भी तो हरि जानता है, वो अंतर्यामी है, भक्त के अंदर बैठा है, तो अगर उनको देना है तो वो दे देगा, लेकिन खास करके भौतिक चीज के लिए हरि नाम करना हाँ वो गलत है। भौतिक चीज के लिए मांगना, भौतिक चीजों के लिए समय पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रदोक्ष अहित की अप्रतियता, भगवान की जो भक्ति होती है वो अहित की होनी चाहिए, बिना कोई हेतु, कोई भौतिक हेतु और अप्रतियता, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सुख दुख में जब भी हरि का नाम सतत, भक्ति लो ठाकुर कहते गाय गोरा मधुर स्वरे सुखे दुखे भूलो ना को सदा हरि नाम बोलो रे, सुख में दुख में सदा हरि नाम करो। ऐसा नहीं कि दुख बढ़ जाते हैं तो मंदिर में के चक्कर लगाना शुरू कर दिए ज्यादा, फिर जब दुख समाप्त हो गया तो मंदिर में नजर ही ना, नहीं, ये शुद्ध भक्ति नहीं हुई। तो हरि नाम का भी ऐसा ही भाव होना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है, शुद्ध भक्ति को हमें शुद्ध भक्ति ही है, क्योंकि हरि नाम भक्ति देवी भी स्वयं है। कल और परसों भी हमें प्रभु जी ने आदेश दिया है कि क्लास करेंगे, तो कल हम हरि नाम के और भी चर्चा करेंगे। ये भक्ति देवी स्वयं राधा रानी है हरि नाम के अंदर, हरे कृष्णा, तो हरा कौन है, श्रीमती राधा रानी शुद्ध भक्ति प्रदायिनी, भक्ति देवी साक्षात है। तो ये जो है आठवां अपराध। नौवां अपराध जो है, किसी भी कोई जो अभक्त है उसको थोड़ा पहचानो,
अहंकार से नहीं। अगर हम सोचेंगे हमें ही एक भक्तों और बाकी सब अभक्त है, अगर उस वृत्ति से अगर हम देखेंगे तो ये अपराध होगा जाएगा और हमारा अहंकार होगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करें जो बिल्कुल आकर्षित नहीं हो रहा है हरि से, या आप थोड़ी सी उनसे बातचीत करो, जब पता चल जाता है कि इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ऊपर से ये भगवान को गाली देता है या भक्तों को गाली देता है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करो। जो भी अश्रद्धालुजन है उनको हरि नाम के बारे में प्रचार मत करो, उसको ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो आप हरि का प्रसाद दे दो, ले भैया तेरे लिए एक केला है या ये पेड़ा है, ये हरि का महाप्रसाद है, ले लो भैया पालो। क्योंकि इसमें थोड़ा अगर आप सोचेंगे क्यों ये अपराध है, हरि का नाम अगर सबको तारता है तो इनको क्यों नहीं तार सकते, उनको तार सकता है लेकिन वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा अपराध करेंगे। हमने देखा है अमेरिका में जैसे बड़े बड़े शहरों में, जैसे आप लोग यहाँ पर, हम लोग उसको डाउन टाउन बोलते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं शहर में, जो नहीं नहीं जो मेन सेंटर बोलते हैं ना, है जैसे कोई बहुत बड़ा रोड होता है जहाँ शॉपिंग सेंटर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी नाना प्रकार के लोग की संख्या ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर कई बार हमने देखे कि यीशु ख्रिस्त का प्रचार करने वाले बहुत लोग अपना छोटा सा माइक्रोफोन लेकर के बाइबल लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सबको चिल्ला चिल्ला कर, अगर तुम यीशु ख्रिस्त में तुम आस्था नहीं रखते हो तो तुम जाओगे नरक में, अभी का अभी आप यीशु ख्रिस्त को मानो कि वो भगवान है और उसको आपके हृदय में उसको स्वीकारो तो आपके जितने भी पाप है वो धुल जाएंगे, वरना आप नरक जाओगे। तो ऐसे प्रचार करते हैं बड़े तीव्र भाव से, वो तो हम मानते हैं बिल्कुल राजसिक भाव या तामसिक भाव होता है। तो कई आने जाने वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल तामसिक होते हैं, मंद बुद्धि वाले बोलते हैं, गाली देते हैं यीशु ख्रिस्त को, तुम भी नरक में जाओ और तुम्हारे यीशु ख्रिस्त भी नरक में जाए, ऐसे कह देते हैं। तो अभी निमित्त कौन बना, वो जो प्रचारक है वो निमित्त बना, क्योंकि वो पकड़ पकड़ के इन लोगों को यीशु ख्रिस्त को फोर्स करते हैं उनके ऊपर। फोर्स कभी नहीं करना चाहिए, साक्षात भगवान हमारे पे भक्ति फोर्स नहीं करता, क्योंकि हमारे सब में अनुस्वतंत्रता है। थोड़ा सा समझाने का प्रयास करो, अगर वो नहीं समझ पा रहा है उसको प्रसाद दे तो छोड़ दो, वरना आप निमित्त बनोगे, वो ज्यादा अपराध करेगा तो उतना ही दूर हरि नाम से, हरि भक्ति से, और अपने जो अंत जो लक्ष्य है जीवन का उससे आप निमित्त बनोगे उसको दूर करने में। आपका ध्येय उसको पास लाने में, लेकिन राजसिक होने से नहीं काम चलेगा। प्रचार भी बिल्कुल सात्विक भाव से करना है। कई बार हम जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमने देखा है, खास करके यूएसए में और कनाडा में आदि, पता नहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई करेगा नहीं, भारत ऐसा देश है जिसमें सात्विकता प्रधान है, लेकिन वहाँ पर किसी को पकड़ा देते हैं, भाई आप ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, छोड़ ही नहीं रहे एयरपोर्ट पे वहाँ पर, फिर वो कंटाल के ले लेता है क्योंकि उसको लेट हो रहा है, कहीं जा रहा है, और उसको $5 देता है, $10 देता है, मेरी जान छुड़ा, और फिर 2 सेकंड के बाद जो वहां पर कूड़ा देखा उसमें डाल देते हैं, क्योंकि वो देते हैं जान छुड़ाने के लिए, लेते हैं स्वीकारते हैं, तो ये भी गलत है। थोड़ा हमारा बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए, अगर उसका इच्छा नहीं है ठीक है, हमने हमारा प्रयास किया, ये प्रयास ही सबसे बड़ी चीज है। वही हमारे प्रभुपाद जी ने कभी सक्सेस नहीं बोला कि कृष्ण मुझे सक्सेस दो, प्रभुपाद जी के ये शब्द देखिए, कहीं भी आप प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़िए, जहां भी उनके लेक्चर्स है, जहां भी उनके पत्र है, कॉन्वर्स है, हमेशा कृष्ण से ये निवेदन है, माय डियर राधा कृष्णा इफ यू सो डिजायर, यद्यपि ओ मेरे राधा कृष्णा, यद्यपि अगर आपकी इच्छा है तो आप ये कार्य संपन्न कीजिए। हम कौन होते हैं कार्य करने वाले, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, यही जितना महान भक्त उतना विनम्र। प्रभुपाद जी की विनम्रता देखिए, आई वॉन्ट टू मीन्स यूर फिनिश, कोई अगर कहे कि मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये करना है मतलब ये भौतिक क्या बोलते हैं भौतिक एटीट्यूड या भौतिक एक भौतिक लक्षण है, लेकिन हम अगर हम ये करें कि मुझे ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, मेरे प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, इस वृत्ति से अगर कोई भी सेवा करो तो ये आपकी सेवा बिल्कुल सामर्थ्य, वरना
एटीट्यूड हो गया, मुझे कम से कम इतने ये करना है या जो भी है, एक संख्या बन गई, एक नंबर बन गया, तो वो बिल्कुल मतलब अलग तरीके से अलग एटीट्यूड होता है। दसवां अपराध, हरि नाम जप करने पर भी हमें भौतिक चीजों में हमारी आसक्ति रहेगी। हम लोग कई लोग हैं जो कई वर्षों से हरि नाम का जाप कर रहे हैं लेकिन फिर भी भौतिक आसक्तियां छूटती नहीं है। हमारा एडवांसमेंट, हम कृष्ण में कृष्ण भावना अमृत में कितने हम, हमारी प्रगति कितनी हुई है हमें कैसे पता चले। जितनी प्रगति हुई है उतना ही, जितनी प्रगति हुई है उतनी हमारी आसक्ति कम होती जाती है, जितनी प्रगति होती है इतनी आसक्ति कम होती जाती है। लेकिन ऐसे रहना तो प्रगति नहीं है, आसक्ति भी है और हमें हरिनाम भी पसंद है, ये सबसे, ये भी एक अपराध है। तो इन 10 अपराधों से बचना है। लेकिन हमारा जो तात्पर्य है, कहते हैं कि 10 अपराध से अगर जो ये बचे तो उसको साक्षात कृष्ण प्रेम मिलता है। तो हम अगर अपने आप को देखें, कहीं ना कहीं हमारे में 10 अपराध तो छुपे हुए, हमारे सब में, मैं तो कहता हूं मेरे में सबके सब 10 अपराध है। तो मैं, लेकिन मेरा यही कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रसंग को लेकर के कि एक होप है, एक क्या है, एक आशा है कि हम चाहे अपराधी भी हैं लेकिन यहां पर अजामिल का जो प्रसंग है, अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया तो हमारा क्यों नहीं होगा। और हरिनाम करने से ही, हम भक्तों का संग करने से, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, श्री विग्रह के दर्शन करने से, ये सब जो प्रभुपाद जी ने जो हमारी जो संस्था बनाई है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, कितना सुंदर प्रोग्राम बनाया है, मंगल आरती से लेकर के शाम की संध्या आरती तक, शयन आरती तक, हम पूरे दिन में हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना में। कृष्ण चेतना का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ माला ही करो, 16 माला कैसे, लेकिन प्रभु ने 16 गुड राउंड्स, अच्छी माला है कम से कम। लेकिन सिर्फ माला नहीं है, ये भावना अमृत है, ये भावना की बात है। दर्शन, कीर्तन, श्रवण, स्मरण, सेवा, नाना प्रकार की सेवा, जैसे माता है वहां पर फूल आदि सब्जियां काट रही है, ये भी एक भावना है कि मैं कृष्ण के लिए कर रही हूं। कोई सेवक अंदर अगर वो रसोई में अभी प्रसाद का जो प्रबंध कर रहा है, भोग का प्रबंध कर रहा है, ये भी सेवा है। प्रचार कर रहे हैं भक्त लोग जा करके, पुजारी है, पूजा कितनी सुंदर करता है। तो प्रभुपाद जी ने कितना एक सुंदर हमें एक वातावरण दिया है इस्कॉन में, कहीं भी मैंने वर्ल्ड में देखा है ऐसा वातावरण कहीं भी नहीं है। ये इतना 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 सुंदर अवसर है हर एक के लिए, हर एक जो भी जहां से कहां से कहीं से जो भी उसका बैकग्राउंड हो, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो कृष्ण को युक्त कर सकता है, और वे हमारे प्रभुपाद जी उसमें एक्सपर्ट थे। और यही मंगला आरती में भी कहते हैं, संसारा दावनल में जब हम गाते हैं, कौन सा श्लोक है कोई बता सकता है? श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो युक्तश्च भक्तश्च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ, श्री विग्रह आराधना कैसे आराधना करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में जब प्रभुपाद गए तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का नई जगन्नाथपुरी में उन्होंने स्थापना की, तो उनके पास कुछ नहीं था उस समय, घी भी नहीं था, तो मोमबत्ती से आरती करते थे और जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना करते थे कि जगन्नाथ जी प्लीज ये स्वीकार कर लीजिए, हमारे पास इतना ही है और हमारे जितने ये बच्चे हैं वो बिल्कुल नाबालिग है, उनको भक्ति के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं है, तो जैसे भी करे स्वीकार आप कर लीजिए उनकी सेवा। तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने सिखाया उनको सब कुछ, और आज सबसे बढ़िया सारे विश्व के अंदर यद्यपि अगर सेवा होती है ठाकुर जी की, वो इस्कॉन में होती है, बड़े गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूं। समय अनुसार ठाकुर जी के जो अलंकार है, ठाकुर जी को भोग है, ठाकुर जी के जो एक एक वस्तु आप देखो, इतने सुंदर सुंदर पोशाक है, हाँ, दिन में कम से कम 2 बार चेंज होते हैं, और जो मन भावन,
ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये गर्व की बात है। काश अगर हमें कोई अगर बताए कहीं और भी होता है तो हम उसको भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन जहां तक हमारा जो अनुभव है यही बताता है। तो ये हमारे प्रभुपाद जी ने सिखाया है, युक्तश्च भक्तम च नियुज्यतोपि। भक्तों को कैसे युक्त करते हैं, युक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि थोड़ी भी स्वल्पमप्येष धर्म से त्रायतो महतो भया ने अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत भी भक्ति करता है तो सबसे बड़े भय से बच जाता है। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। कम से कम मनुष्य शरीर तो मिलेगा, तो लोगों को जोड़ो, इस संस्था के अंदर ले आओ, जो भी आपने जो भी योग्यता है, योग्यता हो ना हो, कम से कम आपका कोई मित्र है, बंधु है, भाई है, ले आओ उसको, आओ भैया दर्शन करो, आओ प्रसाद लो। प्रभुपाद जी ने स्वयं 26 सेकंड एवेन्यू में न्यूयॉर्क में, शुरू में उनके पास कुछ नहीं था, आए तो बोस्टन, जब वो हार्बर उतरे तो वो लिखते हैं अपने जलदूत डायरी में, मेरे पास सिर्फ 35 रुपये थे उस समय, 35 रुपये मतलब 5 रुपया एक डॉलर था, $7। कहते हैं कि एक घंटा न्यूयॉर्क में काम, एक घंटे में इतने पैसे खर्च हो जाए, इतने ही पैसे थे मेरे पास। जब मैं उतरा, मेरे पास, मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं मुझे पता नहीं था। पेड़ के नीचे न्यूयॉर्क में हरिनाम का, जो उनके ऊपर इतनी श्रद्धा थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने हरिनाम लेना शुरू किया। भक्त जो 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 भी हिप्पी थे, जो भी जो गार्डन में खेल रहे थे, सब लोग आए, अपने अपने बोंगो, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर प्रभुपाद के साथ कीर्तन किया। फिर स्वामी जी से पूछा, आप कहाँ से आए हो? इंडिया से। स्वामी जी आप यहाँ क्या करते हो? बोलते मैं आपको, आप जो भूल गए हो उसको याद कराने आया हूँ। और स्वामी जी के लिए उन्होंने एक छोटा सा, छोटी सी दुकान 26 सेकंड में मैचलेस गिफ्ट उन्होंने भाड़े पे दी। भगवद गीता के उन्होंने क्लास शुरू किए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। और प्रभुपाद जी जो फिर आने लगे, ये जो हिप्पी लोग थे, जो जो नशा करने वाले, निशाचरी, राक्षस वर्ण के राक्षस, जो उनकी जो सारी वृत्ति आदि सब आने लगे, क्योंकि वो लोग नशा करते थे, उनको भूख लगती थी और जानते थे कि स्वामी जी खाना खिलाते हैं। तो स्वयं प्रभुपाद जी अपने हाथों से ठाकुर जी का भोग लगा करके इनको अपने हाथों से प्रसाद वितरण करते थे। 20-20 रोटी खाते थे, इतनी भूख लगती थी ये हिप्पियों को। 20-20 30-30 लोग आते थे, प्रभुपाद स्वयं इतनी रोटियां बेलते थे, दाल राइस बना देते थे और अपने हाथों से वितरण करते थे, ले बेटा खा और खा और ले, इतने प्रेम से। 70 साल का उम्र का जो व्यक्ति है, बुजुर्ग, ये करता है। और बाद में ये लोग जितने भी थे, खाना खा के कई लोग ऐसे ही चले जाते थे या वहीं पे लेट के सो जाते थे, क्योंकि उनको नशा था, पेट में भर पेट खाना मिल गया, वहीं सो गए। और प्रभुपाद जी ने सब बर्तन साफ किए, धोए, ये भाव है, इसको बोलते। और फिर उन्होंने धीरे धीरे सिखाया कि गुरु क्या है, और सबको युक्त किया। तभी तो आज वंदनीय है हमारे प्रभुपाद जी। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है इस विश्व के अंदर जिसको बार बार रोज हजारों लोग, लाखों लोग प्रणाम करते हैं, दिन में एक बार नहीं, अनेक बार। एक व्यक्ति अगर आप कोई बता सकते हो भगवान के अलावा, किसी साधु या संत के अगर इतने प्रणाम होते हो, तो ये जो है, जब इतना भाव होता है गुरु के प्रत्यय, साधु के प्रत्यय, शास्त्र के प्रत्यय, कृष्ण के प्रत्यय और जीव के कल्याण के प्रत्यय, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद जी ने सबको एंगेज किया है, हरि नाम करो, कुछ नहीं कर सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर ये इस श्लोक का भी अर्थ करते हैं। तो यही जाकर के वो पूछते हैं, यमदूत के पास खाली हाथ जब जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो विष्णु दूतों ने हमें रोक लिया, ये क्या बात है कि उसने नारायण का नाम लिया, बच्चे का नाम लिया, वो हमें भी पता है, उनको भी पता है, फिर भी कह रहे हैं तो आप कैसे मेरे बॉस हो, कैसे स्वामी हो कि हम खाली हाथ आ जाए? आपके ऊपर भी कोई आदेश करने वाला है? कितने ऐसे हैं
हाँ, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस जगत में कितने नियंत्रक हैं या शासक हैं, प्रकृति के तीन गुण सतो रजो तमो गुणों के अधीन ये जितने भी हैं, ये कौन कौन हैं, विविध फलों के प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं। हम तो सोचते हैं कि आप ही एक, आपको हम, आप ही एक हो जो जो दंड के वो दायक हो, जो पापी जीव है, तो आप बताइए। और विश्वनाथ चतुर्वेदी पाद इसमें ये टीका में लिखते हैं उनका जो भाव है, आचार्य का एक बहुत सुंदर भाव होता है, जब कोई श्लोक पढ़ते हैं तो उनको अंदर से स्फुरित होता है, स्फुरित स्फूर्ति होती है, जैसे कि उनको देख सकते हैं लीला को, लीला स्मरण होती है उनकी, तो लीला स्मरण में देख रहे हैं कि ये बड़े क्रोधित हो रहे हैं। स्वामी के सामने कोई अगर आप नौकर, अगर आपके, अगर आपका नौकर आपके ऊपर क्रोध करे तो आप उसको एक मिनट नहीं खड़ा रखे, बोले भाई ले तेरा पगार और यहां से निकल, क्योंकि दास जो होता है वो विनम्र होता है। लेकिन यहां पर तो दास क्रोध दिखा रहे हैं उनके दास, ये क्या बात है, तो हमें इस ऐसे ऐसे मालिक के साथ हमें नौकरी नहीं करनी है, ऐसा भाव प्रकट कर रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से, जिस तरह से बात कर रहे थे। तो आप बताइए, तो रमराज विनम्र होकर आगे जाके, आगे प्रसंग आता है, बताते हैं कि धर्म क्या है, क्योंकि यमराज स्वयं धर्मराज है। तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे और परसों, और साथ साथ में कुछ हरिनाम की महिमा, क्योंकि ये जो अध्याय, ये अगला अध्याय और ये अध्याय वो हरिनाम का महात्म्य क्या है, क्या महात्म्य के बारे में बताता है, हरिनाम, हरिनाम कितना महान है। तो कल हमने सोच रहे थे कि साथ साथ में, क्योंकि ये श्लोक छोटे हैं और भावार्थ भी छोटा है, थोड़ा सा हम शिष्टाष्टकम का पहला श्लोक ले लेंगे, क्योंकि वो हरिनाम का जो है वर्णन लेंगे, अगर आप लोग की अनुमति और आज्ञा हो तो। शिष्टाष्टकम जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बारे जो उन्होंने जो रचना की थी हरिनाम की महिमा के ऊपर है, 8 श्लोक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे पहले श्लोक के ऊपर वर्णन करने के लिए, और जो अगर समय बच जाता है तो हम परसों करेंगे भागवत क्लास में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। अगर यद्यपि किसी का कोई प्रश्न हो या किसी को कोई टीका या टिप्पणी हो तो कृपा करके। हाँ जी प्रभु, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा ताकि सब सुन सके। जी बिल्कुल, जी मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि भारतीयों में सबसे पहले धारणा होती है, मैंने देखा है, पुणे में मैंने देखा है ऐसे फिल्टर्स, कई काउंसलर्स हैं और उनके पास भी ड्यूटीज, इनिशिएटिव ड्यूटीज का, और कोई फेस्टिवल आते हैं गणेश चतुर्थी, तभी वो मोदक बनाते हैं भारतीय में, तो यानी उनका आश्रय तो गणपति पे है एक्चुअली, तो क्योंकि मोदक तो गणपति होती है ना, तो ये आश्रय क्रिया के बारे में प्रोपा ने जो स्टैंडर्ड आंसर बनाया है उसमें ये कभी रिकमेंड ही नहीं किया है। तो आजकल हमें इंट्रोडक्शन हो रहा है इसमें, फिर से जो हमारा अट्रैक्शन है देवी देवताओं के प्रति वो फिर से प्रेरित होने वाला है, तो उसमें हम क्यों जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रभुपाद जी ने ये सब कहानी है, इसमें दो विचार है। एक तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने प्रचार कहाँ शुरू किया था, मेन प्रचार पाश्चात्य देश में। प्रभुपाद जी ने भारत के अंदर बहुत कम किया, उनका एक ही शिष्य था। आप जानते हैं भारत में उनका सबसे पहला शिष्य कौन था? जी थैंक यू प्रभु, आचार्य प्रभाकर जी की देह, झांसी में उन्होंने प्रभुपाद जी के पहले शिष्य बने थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, अपने गुरु भाइयों को, सीनियरों को गौड़ीय मठ में सपोर्ट के लिए, तो नहीं मिला। और प्रभुपाद जी ने अपने गुरुजी की वाणी, जब यंग थे, जब नवयुवक थे, तब उन्होंने कहा था कि आप जो है अंग्रेजी में आप शिक्षित हो, अंग्रेजी में जो है आप चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना, भागवत का प्रचार करना। प्रभुपाद जी इस आदेश को सर पे लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, वो पाश्चात्य देश निकल पड़े। जब पाश्चात्य देश आए तो उनके पास संपूर्ण क्लीन स्लेट थी, बहुत कम जो थे वो जानते थे गणेश जी शिव जी के बारे में, कुछ भक्त थे ऐसा नहीं कि नहीं जानते, क्योंकि वो हरिद्वार ऋषिकेश आ चुके थे, जैसे हायग्रीव प्रभु है वो पहले आए थे यहाँ पर,
तो बहुत एक आध दो भक्त ऐसे थे, लेकिन बाकी सारे कृष्णा प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया बड़ी क्लीन स्लेट से, इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि पाश्चात्य देश में गॉड का कॉन्सेप्ट है और गॉड में देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो एक तो प्रभुपाद जी ने यह स्थापित कर दिया कि जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है आप उसी को कॉन्सेंट्रेट करो, या वहां भटको मत। ये संक्षेप में ये उनका भाव था। अब बात रही जैसे हमारे इंडियनों की बात करें, भारतवासियों की, देवी देवता की उपासना करते हैं और जब कृष्ण भावना अमृत में आते हैं तो क्या उस देवी देवताओं को हम क्या उनको कहीं और रख दें? एक प्रसंग है शिकागो में हुआ था, मैं मैंने 25-26 साल शिकागो में निकाले। एक भक्त बना था, उसको बने बने एक या दो साल नहीं हुए थे इस्कॉन में जुड़े हुए, और उसकी माँ कई साल से उपासना कर रही थी शिव जी की और अन्य देवी देवताओं की घर के अंदर। तो जिस दिन उसको पता नहीं क्या हुआ, क्रोध आया, जो भी आया, ऑल्टर पे से सारे देवी देवताओं को कूड़े में डाल दिए और बोलते कृष्ण ही भगवान है, तुम आज से उसी को पूजोगे। तो उसकी माँ आई मंदिर में और कहने लगी कि बेटा देखो ये कैसे कैसे बिहेव किया उसने, इतने सालों से मैंने इनकी आराधना की और उसने, ठीक है मैं भी मानती हूँ कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उनको ऐसे इस तरह करना तो ये तो बहुत ही गलत है। मैं आपके पॉइंट पे भी आ रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ बुनियाद यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। देवी देवता कौन है? वैष्णव है। मैं अभी भारत की बात कर रहा हूँ। रूपा जी के पास इतना समय नहीं है कि हर एक देवी देवता के बारे में बताएं। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो देवी देवता खास करके जो 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 प्रमुख है महादेव जी आदि, ये सारे भगवान के वरिष्ठ भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी जो है, हम हमारे जो गुरु जी है जो हमें दीक्षा देते हैं उसकी फोटो ऑर्डर में रख सकते हैं भगवान से निम्न स्थान पर, तो शिव जी को क्यों नहीं रख सकते? शिव जी जो है उनका तो प्रसंग भागवत में है। शिव जी हमेशा हरे सतत हरि का नाम करते हैं, मेरे आपसे और हमारे शायद हमारे जो वर्तमान में गुरु है उनसे भी ज्यादा तपस्या करते हैं और हरि का नाम लेते हैं। बात तो सही है, लेकिन राधा गोविंद महाराज जी ने ये, किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि आप अपने गुरु जी की अगर तस्वीर रख सकते हो तो शिव जी की क्यों नहीं रख सकते? लेकिन शिव जी को भगवान मत मानो। यहां पर गलती होती है, जो जितने भी भारतवासी हैं वो जितने देवी देवता की उपासना करते हैं तो वहां पर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो सबको भगवान मानते हैं। गलती वहां पर है, वहां पर अपराध है, क्योंकि स्वयं शिव जी भी या गणेश जी ये नहीं चाहेंगे कि आप उसको भगवान मानेंगे, क्योंकि वो जानते हैं तत्व धर्मस्व तत्व निहितम गुह्यम महाजन। तो शिव जी तो महाजन है, नित्य महाजन है वो। शिव जी तो हमारे जो व्रज के अंदर सारे मुख्य स्थल पे उनका वो विराजमान है, वृंदावन में गोपेश्वर माधव है, मथुरा में भूतेश्वर माधव है, कामयावन में कामेश्वर माधव है, गोवर्धन में चक्रेश्वर माधव है, राधा कुंड में कुंडलेश्वर महादेव है, नंदगांव में नंदेश्वर महादेव है, गोकुल में चिंताहरण महादेव है, और उनके बिना तो कृष्ण जी भी नहीं सीखते हैं। कृष्ण जब छोटे थे रो रहे थे, शिव जी स्वयं देखने आए अपने वही जो रूप में भस्म लगाए, सारपादी उनका जो आभूषण था, माता यशोदा ने मना कर दिया, बाबा तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ दान दक्षिणा दे देती हूँ, लेकिन लाला को मैं बाहर नहीं लाऊंगी, वो डर जाएगा। लाला बहुत रोया, बहुत रोया, तो जब व्रज की वरिष्ठ गोपियां कह रही कि एक बार लाला को दिखा दे, शिव जी ने कह दिया कि ठीक है मैं यहीं पर डेरा मार देता हूँ, कभी ना कभी तो तेरा लाला बड़ा होगा, वो बाहर आएगा तब मुझे दर्शन मिलेगा। तो आशीश्वर महादेव करके वो बैठ गए, वो नंदग्राम के पास कदम टेर के पास वो बैठ गए, वहीं पर वो तपस्या कर रहे थे शिव जी। फिर जो है जब वरिष्ठ गोपी की बात सुन करके जब माता ईश्वर का ठीक है मैं उसको एक झलक दे देता हूँ, बाबा को बुला लिया, और जब बाबा को देख जब निरखा, जब लाला को देखा तब तो लाला हंसने लगा जो रोने वाला था शिव जी के दर्शन कर करके।
तो ये जो आसक्ति अगर हमारी होती है तो हम उसके लिए आसक्ति, जैसे कि हमको वैष्णव में आसक्ति होती है, हम उनकी कृपा पात्र बने कि हमें भौतिक लाभ मत दीजिए, आपको जो प्रिय है वो हमें दीजिए। नरसिंह मेहता गुजरात के अंदर, आप लोग सब जानते हैं उसका नाम, तो सुना है ना, सुना नहीं सुना आपने, सुना है। तो वो शिव जी के बहुत वरिष्ठ भक्त थे, तो शिव जी प्रकट हुए उनके सामने, तो शिव जी ने उसके पूछा कि नरसिंह मांग, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलते मुझे इस भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ देना है तो आपको जो दुर्लभ है वो दीजिए, ये आपको सबसे जो प्रिय चीज है वो दीजिए। तब जाकर के नरसिंह मेहता को कह रहे, अरे ये तो बहुत बड़ा, मेरे पास तो लोग भौतिक चीजें मांगते हैं और मैं बहुत ही शीघ्र दे देता हूँ। शिव जी का एक नाम है आशुतोष, बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट इसलिए हो जाते हैं कि कोई आता है भौतिक चीज उनको डिस्टर्ब करता है, उनको हरि नाम करने में, उनके जाप में, उनके ध्यान में, तो पापा ले ले डिस्टर्ब मत कर। कभी कभी आप घर में भी देखो, कोई बच्चा आता है, पापा मुझे 10 रुपये चाहिए, आप देना नहीं चाह रहे, फिर चल ले पकड़, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर, मैं अभी जो मम्मी से, मैं अभी रसोई में मैं बिजी हूँ, पकड़ चल जान छोड़ा। तो शिव जी ऐसे ही करते हैं कि मुझे बोले भजन में बाधा मत करो, ये भजन करते हैं कृष्ण का। तो कहने का तात्पर्य है कि नरसिंह मेहता ने मांगा और नरसिंह मेहता को उन्होंने साक्षात कृष्ण के रासलीला में गया, कृष्ण की भक्ति गए, और उसी दिन से वो सबसे वरिष्ठ वैष्णव बन गए, कृष्ण के भक्त बन गए, शिव जी की कृपा से। तो यही चीज हम भी, एक बार ऐसा हुआ है, आई डोंट नो कितने लोगों ने ये सुना है, प्रभुपाद जी जब नवद्वीप में जा रहे थे तो वहां पर प्रौढ़ माया का मंदिर है, आप लोगों ने किसी ने दर्शन किया है वहां पर प्रौढ़ माया का, माया देवी का मंदिर है वहां पर। तो प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो वहां पर रुक गए और उन्होंने हाथ जोड़े और उनके आंखों से थोड़े से अश्रु बिंदु गिरे। तो जब जितने भी उनके जो पाश्चात्य देश के भक्त लोग थे देखने लगे, जैसे आपके मन में प्रश्न आया शायद वही भाव से कि प्रभुपाद जी ने डेमीगॉड वर्शिप तो मना किया है देवी देवता, और प्रभुपाद जी स्वयं यहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं, और ये इतना ही नहीं बड़े भावुक भी है और उनके अश्रु निकल रहे हैं। तो फिर किसी ने हिम्मत करके पूछा तो प्रभुपाद जी ने बताया, यस शी इज माया देवी, शी इज ग्रेट वैष्णवी, अगर वो चाहे तो हमें वो मदद कर सकती है हमारे कृष्ण भावना अमृत को बढ़ाने में, या फिर वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकती है, उतना प्रबल है उसमें, उनमें प्रबलता है, तो हम उनके आशीर्वाद दें। कि जितने भी देवगण हैं, चाहे उनमें हमारे रूप गोस्वामी जैसी भक्ति ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने माँ बाप के चरण छू सकते हैं, ताऊ जी के चरण छू सकते हैं, देवी देवताओं के चरण छूने में क्या है, उनसे आशीर्वाद मांगने में क्या है, कि मुझे अब मुझे कुछ भौतिक नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको देना चाहते हैं गणेश जी, हमने सुना है कि आप जो है विघ्नहारी हो, तो जितने भी विघ्न आ रहे हैं, क्योंकि हम भक्तों में अभी भी हम कहां पर इतने परिपक्व है, हम थोड़े ही परमहंस हुए हैं, हमारे कितने विघ्न है, भौतिक विघ्न भी बहुत है, किसी भक्त के पास पैसा नहीं है, किसी भक्त के पास कुछ है रोग है, कितने प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से हम जाप नहीं कर पा रहे हैं, कई चीजें नहीं कर पा रहे हैं भक्ति में, तो विघ्न आ रही है। विघ्नाम विहंतरस्य त्रयस्य जगत्रस्य गोविंदमादि पुरुषम तमाहं भजामि। तो गणेश जी जो है वो विघ्न हरता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समत्र निर्विघ्न कुर्वे देवो। तो जितने भी विघ्न है उसको हटाइए ताकि मैं कृष्ण का अच्छा भक्त बन सकूं, मैं आपका कृपा पात्र बनना चाहता हूं, हे वरिष्ठ वैष्णव। उसमें गलत क्या है, ये प्रभुपाद जी के विरुद्ध नहीं है, प्रभुपाद जी के प्रिंसिपल, प्रभुपाद जी का प्रिंसिपल विरुद्ध ये है कि देवी देवता को कृष्ण के समान तुलना करना या उनको भगवान समझना, ये प्रॉब्लम है। और जब हम हमारी भक्ति में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारी आसक्तियां अन्य देवी देवताओं से, तो क्या नारायण विष्णु आदि उनसे भी हमारी हम विरक्त हो जाएंगे। ये बहुत गहरा है भाव, हमारे गौड़ीय भाव जो है ना इतना गहरा है, जैसे दामोदर अष्टकम में इदम देव पूर्णाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्टम की मन्य, उससे पहले वो कहते हैं ना, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम अर्जुम्मा न च अन्य विणे अहम वर ईशाद अपिहा। मुझे ना वैकुंठ में मोक्ष चाहिए ना मुझे कोई मोक्ष चाहिए, भाई वैकुंठ में अगर मोक्ष मिलता है तो नारायण मिलते हैं, तो नारायण को भी वो रिजेक्ट कर देते हैं सत्यव्रत मुनि। तो वो जब स्टेज आए तब, लेकिन अब वो स्टेज नहीं है, तो सब जीवों का हमें जो है जीवों का करते हो, तो देवी देवता तो कितने वरिष्ठ जीव है। और यदि भी अगर मोदक लगाना है तो पहले कृष्ण को खूब खिलाओ और फिर प्रसाद के रूप में गणपति जी को मोदक दे दो, तो कितने प्रसन्न होंगे,
दुगना तिगना चौगना हजार बार आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, देखो ये मेरा भक्त है, ये मेरा भी भक्त है और मेरे ये कृष्ण कृष्ण को कृष्ण का प्रसाद मुझे दे रहा है। देवी देवताओं का अपमान करके अगर हम सोच रहे हैं कि हम प्रगति करेंगे भक्ति में कैसे, उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए हैं तभी तो वो इतने कृष्ण के पोर्टफोलियो में, कृष्ण की सृष्टि में उनको बड़ा स्थान दिया है। हालांकि वो थोड़े बहुत आसक्त है भौतिक चीजों में, लेकिन फिर भी वो भक्त है। हम एक दूसरे को प्रभु करके बुलाते हैं, हम एक दूसरे को वंचाकल्प करते हैं। हमारे में और आप में क्या क्वालिटी है बताइए कि हम एक दूसरे को दंडवत स्वीकार कर सकते हैं किसी का, ऐसी क्वालिटी है हमारे में? नहीं है। तो देवी देवताओं में करने में क्या अर्ज है? और जब तक उनका स्थान हम नीचा रखे, ये मैं राधा गोविंद महाराज जी की सारी बातें बता रहा हूं आज, ये मैंने अपने मन की बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मुझमें कोई योग्यता नहीं है ना सामर्थ्य है। सम्मान करो सबका, जीव का कर सकते हो, क्योंकि पांच तरह के अपराध होते हैं, नाम अपराध, जीव अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध। तो जीव तो साधारण जीव को हम अगर नहीं कर, नारद जी ने नारद जी और वो जो क्या मृगारी की जो कथा में एक एक चीटी को बच बच करके चल रहा था, आपको प्रसंग मालूम है? कल बताएंगे फिर, अगर नहीं मालूम है तो याद करवा लेना मुझे, लेकिन आज अभी समय हो गया है तो यहीं पे विराम दूंगा। आई होप कि आपका समाधान हुआ प्रश्न का प्रभु जी मन में। लेकिन जी कौन क्या हुआ? Who is the representation? Of the demigods also. Who? Spiritual master. Okay. तो अगर मैंने एग्जाम्पल भी मोदक का आपको दिया, तो ये भारत में मैंने पूरा में बहुत जगह पे देखा भी है, मैंने को एग्जाम्पल कोट किया उसमें से एक एग्जाम्पल कोट किया। वैसे तो गोपियां भी करते हैं देवी का व्रत कर, बिल्कुल, लेकिन हमारा वो स्तर नहीं है ना, हम जो आचार्य ने दिया है वो क्यों नहीं फॉलो करें हम किसी जिस मैंने आपको पता है एक मिनट आचार्य मैं महाप्रभु की बात करता हूँ। महाप्रभु जहां जहां गए, जितने भी शिव के लिंग थे साउथ दक्षिण से लेके व्रज के अंदर, उनकी महाप्रभु ने स्वयं उनको दंडवत किए और बहुत सुंदर श्लोकों से उनका वो किया, उनकी उनकी महिमा गई। हमें देखो प्रभुपाद जी को समझने के लिए भी हमें थोड़ा मैच्योर बनना पड़ता है। प्रभुपाद ने कहा हर एक दो भक्त भी कभी कभी उसमें तफावत में गिरते हैं, प्रभुपाद सेट, प्रभुपाद सेट, प्रभुपाद सेट, प्रभुपाद सेट। जैसे दो वकील होते हैं कोर्ट के अंदर लड़ते हैं, वो भी लॉ बुक्स पढ़े हैं, ये भी लॉ बुक्स पढ़े हैं, दोनों वही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में, किस वक्त में, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। अगर आप इंडिया में हो, भारत में हो, देवी देवताओं की आपके घर में उपासना बरसों से आ रही, उसी की कृपा से आज आप कृष्ण भक्त बने हैं, उसी की कृपा से आप सात्विक घर में जन्म लिए हैं, उसी उन्हीं की कृपा से आप में अच्छे गुण आए हैं, आप में संस्कार आए हैं, क्योंकि आपके माँ बाप सात्विक थे, चाहे वो गणेश जी को पूछते थे या देवी माँ को पूछते थे। तब जाकर के आप कृष्ण भावना अमृत में आपको कुछ कुछ रस आया। ये सब चीजें जो पाश्चात्य देश में उनको पता नहीं था। और रिस्पेक्ट करने में क्या जाता है प्रभु, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये प्रभुपाद जी का बिल्कुल उल्लंघन नहीं है। प्रभुपाद जी का ने कहा है वर्शिप मींस, ये उसका भी उसका समझना चाहिए कि उसको भगवान की तरफ वर्शिप मत करो, उनको भगवान का दर्जा मत दो, ये अर्थ होगा प्रभु जी। मैंने दोबारा में बार बार मैं रिपीट करता हूं, जब हम एक और दूसरे को दंडवत कर सकते हैं, क्या हमारे में अवगुण नहीं है? क्या मैं और आप देवी देवता से ऊपर है? पहले ये बताइए। नहीं नहीं एक मिनट, ये प्रश्न का पहले क्योंकि हम भारतीयों का अभी वेस्ट में भी ये हो रहा है,
संक्षेप में ये बताऊं कि अगर कोई घर में रखता है, खास करके भारत में रखना है, तो राधा गोविंद महाराज जी कहा कि उसको एक दर्जा कम छोटे लेवल पे रख सकते हैं, ना रखो तो भी चलेगा अगर अगर है। लेकिन अगर मान लें आपके घर में इतने साल से उपासना हो रही है तो आप क्या करोगे? चलो उसका क्या समाधान होगा? मैं तो राधा गोविंद महाराज ने जो समाधान दिया मैं दे रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा हूं। तो आप क्या समाधान करोगे? अगर आप नया घर ले रहे हो, नया ऑल्टर बना रहे हो, जाकर के हम ये नहीं कह रहे कि बाजार से खरीद के ले आओ डीटी शिव जी की गणेश जी की, लेकिन अगर घर में है और उसकी उपासना इतने सालों से चल रही है तो आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन है। तो आप उसको रखो, रख सकते हो, लेकिन उसको कृष्ण के स्थान ऊपर करके। ये पॉइंट है जो मैंने सुना था, मैं आपको मैं रिपीट कर रहा हूं प्रभु जी। और आप जो कह रहे हैं बात सही है। मैं भी महाराष्ट्र से, मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ है। मुझे गणेश उत्सव बचपन से मुझे मालूम है कैसे होता है। गणेश उत्सव के नाम पे लोग बहुत बहुत चीजें करते हैं गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वो जो भाव है, वो कृष्ण जो कृष्ण को जिसने समझ लिया, वो उसको यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, उसको और किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मूल के ऊपर अगर जल दे दिया तो एक एक पत्ते एक एक शाखा पर आवश्यक नहीं है, ये तो उपनिषदों ने भी ये कहा है। लेकिन अगर आपके समक्ष कोई आ जाता है और आपके समक्ष ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसको इग्नोर करोगे तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, ये राधा गोविंद महाराज जी का कहना है। हम ये नहीं कह रहे कि अगर नया मंदिर स्टैब्लिश कर रहे हो तो आप जाइए शिव जी की मूर्ति स्टैब्लिश कीजिए, गणेश जी की सारी दुकान खोले, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन है, अगर रखना ही है, अगर आपकी आसक्ति, अभी मान लो किसी में आसक्ति है तो क्या करें? जैसे मुरारी गुप्ता को हनुमान जी में और राम जी में आसक्ति थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रयास किया कि आप हरे कृष्णा बोलो, लेकिन मेरे से वो निकल ही नहीं रहा है, मेरे से राम ही निकल रहा है। तो बोल रहे मुरारी गुप्ता को भगवान महाप्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु जय श्री राम। तो जैसे जैसे बढ़ावा आएगा भक्ति में, जैसे हम बढ़ेंगे और जब हम जैसे ही चुस्त गौड़ी वैष्णव बनेंगे तो हमारा अन्य भाव ना रहेगा। देखी दे भूली बोवा कबे निज स्थूल शरीर व्रजपुर शोभा नित्य चित आनंद होमोए। वो भक्ति ने ठाकुर जी का बहुत सुंदर है, अन्य भाव ना रही दे, फिर से ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा, फिर हमें उसमें भी बाल गोपाल कृष्ण में भी हमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब गौड़ीय वैष्णव भाव आएगा हमारे में, हम सिर्फ किशोर कृष्ण में हमें आनंद आएगा, क्योंकि माधुर्य रस में हम प्रवेश कर चुके होंगे, वो भाव ऐसा आएगा हमारा। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर हम बाल गोपाल को देखे हम उसको नहीं रख सकते, या हम विष्णु या नारायण की अगर कोई मूर्ति है, ये भाव की बात है प्रभु जी। जब तक हम निम्न है, प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे कर्म है ऐसे है कि किसी को पूछा कि भाई हमारे हम क्यों सफर कर रहे हैं, हम डिवोटीज हैं, तो हमने तो हरिनाम जाप करना शुरू किया, तो हरिनाम तो पावरफुल होना चाहिए, सब कुछ खत्म होना चाहिए, तो वाई शुड वी सफर। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये पंखा होता है, पंखा का अगर आप ये फैन फुल स्पीड पे चल रहा है उसको बंद कर दो तो धीरे 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 बंद होगा, इमीजिएटली बंद नहीं होता है। तो हमारी कर्म की चक्कड़ी भी धीरे 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 बंद होगी, इमीजिएटली नहीं होती है बंद। तो जो हमारी आसक्ति है, लेकिन हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है और बाकी सब उनके दास है, उनके सेवक है, तो उनके सेवक को प्रणाम करने में या उनको अगर रखना भी है तो उसमें कोई गलत नहीं है। ये मेरा पॉइंट है, मैं जो राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। अगर आपके घर में है तो उसको आप फेंकिए मत या उसको कबाट में बंद मत कर दीजिएगा, रख सकते हो, उनका स्थान है। और एक समय ऐसा आएगा ये सब भी अपने आप हट जाएगा, क्योंकि आपका ऐसा भाव होगा कि आप राधा कृष्ण जो हमारा गौड़ीय भाव है उसमें आएंगे तो बाकी सब कुछ नहीं, बस सिर्फ राधा और कृष्ण की उपासना होगी आपकी। और अगर हम गुरु जी को भी देखते हैं तो गुरु जी को भी हम मंजरी भाव में देखेंगे। ये सब बहुत ऊंचा रस की बात है, उसको हम अभी डीप में ना मेरे में योग्यता है बोलने के लिए। तो मतलब ये भाव यही है कि जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे ऐसे हमारे में भाव आएंगे और ऐसे ऐसे हमारे अंदर जो है वृत्तियां और सेवा भी फिर स्पेसिफिक हो जाएगी, सेवा भी फिर अनेक नहीं होगी, हमारी भी सेवा भी एक स्पेसिफिक सेवा होगी जब हम भाव स्टेज में पहुंचेंगे।
कृष्ण प्रेम के स्टेज में, लेकिन जब तक नहीं पहुंचे तो साधु संग भजन क्रिया श्रद्धा, साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति मिस्टर रुचि आसक्ति भाव और कृष्ण प्रेम, ये सारे स्टेजेस हैं। तो इसमें आप कृपा करके उसका उल्टा अर्थ मत निकालिएगा प्रभु जी, मेरी विनती है आपसे। और शायद मैं आपको अभी तक भी अगर प्रश्न नहीं समझ पाया तो मेरी समझ लीजिए मेरी त्रुटि है, लेकिन अगर घर में है क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने किसी ने पूछा था राधा गोविंद महाराज जी को, तो उन्होंने ये जवाब दिया था अगर है तो आप रखिए, लेकिन कृष्ण का दर्जा ऊंचा रहना चाहिए। हाँ यस प्रभु, जी इसीलिए हम आचार्य के उनके फोटो रखते हैं जी, तो फोटो क्लियर है, हम परंपरा के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं है जी। और शायद पता नहीं मुझे, लेकिन वो प्रश्न डिवोटी ने नहीं पूछा, वो कोई नया व्यक्ति ने पूछा, नहीं डिवोटी ने पूछा था डिवोट, और ये भी कहा था उन्होंने, ये मैंने पहले पहले पर्सनली पूछा था ये प्रश्न कि अगर हमारे आचार्य है तो जैसे कि हम ऑल्टर के ऊपर हमारे मान लीजिए किसी के घर में चैतन्य महाप्रभु है, राधा कृष्ण है, और मान लीजिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा।